तो डी ऑक्सी और ऑक्सी के अगर डिफरेंस लिखने हो तो वो लिख लेंगे, कोल्ड डी ऑक्सी और ऑक्सी, ठीक है। तो डी ऑक्सी की बात करूं, दो एफ ई एटम है प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहां दो एफ ई एटम है प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में, एक सब यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। दोनों प्लस टू में, ये भी डायमैग्नेटिक और ये भी ई एस आर इनएक्टिव, और ये दोनों प्लस थ्री में है, ये भी कैसे होंगे मेरे डायमैग्नेटिक, किसकी वजह से, ड्यू टू एंटी फेरोमैग्नेटिक, ड्यू टू एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग, एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग की वजह से ये भी क्या हो गए डायमैग्नेटिक, और क्या हो गए ईएसआर इनएक्टिव, ईएसआर इनएक्टिव हो गए, ठीक है। और ये कलरलेस होता है, और सबसे बड़ी बात जो मेरा ऑक्सी हीमोरेथ्रिन होता है वो क्या होता है, रेड वायलेट कलर का होता है, रेड वायलेट कलर का होता है, और इस कलर का रीजन क्या होता है, एल एम सी टी, ड्यू टू एल एम सी टी, लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, ड्यू टू लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से ये कलर आता है, ठीक है। और सबसे मजे की बात है कि एक मेरा एच एम मॉलिक्यूल, वन एच एम मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट एट ओ टू मॉलिक्यूल्स, एक एच एम का मॉलिक्यूल, वन एच एम मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट करता है कितने, एट ओ टू मॉलिक्यूल्स को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जहां मेरा हीमोग्लोबिन चार ही कर पाता है वहां एक हेम, एक एच एम यानी एक हेमोरेथ्रिन आठ ओ टू को मॉलिक्यूल्स को क्या कर देता है ट्रांसपोर्ट कर देता है, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट, अब बस क्वेश्चन का ध्यान रखें, क्वेश्चन किस किस टाइप के आएंगे कि भैया कितने पेंटा कोऑर्डिनेटेड, कितने हेक्सा कोऑर्डिनेटेड, कलर क्या, ईएसआर कौन सी फॉर्म, ईएसआर एक्टिव, कौन सी डायमैग्नेटिक, कौन सी पैरामैग्नेटिक, इस टाइप के क्वेश्चन से भरमार होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज इसका जो नॉन हीम कंटेनिंग दूसरा प्रोटीन है या दूसरा कैरियर है, दैट इज हेमोसायनिन। अब उसके नाम में बड़ा ट्विस्ट है, क्या नाम है उसका, हेमोसायनिन, क्या नाम है, हेमो सायनिन, डिनोट किससे करते हैं इसको, एच सी से। अब सबसे बड़ी बात है भैया, इसका नाम देख के लगता है कि भैया इसमें आयरन एटम है, हीम ग्रुप है, और साइनिन मतलब साइनो सी एन ग्रुप है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, बस नाम धोखा देने के लिए इसका नाम हीमोसायनिन है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे, धोखा देने के लिए इसका नाम हीमोसायनिन है, ठीक है। ना इसमें हीम ग्रुप है ना साइनिन ग्रुप है, तो इसके बारे में बेसिक बातें लिख लेते हैं। इट इज कॉपर, जो मेटल होता है इसके अंदर क्या होता है, इट इज कॉपर कंटेनिंग, कॉपर मेटल कंटेनिंग प्रोटीन इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन, इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइऑक्सीजन, ऑफ डाइऑक्सीजन, इट नाइदर कंटेन हीम ग्रुप नोर साइनाइड ग्रुप, मतलब भैया ना इसमें हीम ग्रुप होता है ना साइनाइड ग्रुप होता है, फिर भी इसका नाम हीमोसायनिन होता है, ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज, क्या बोला जाता है इसको, ब्लू ब्लड भी बोलते हैं, नीला खून ब्लू ब्लड, ये बात ध्यान रखेंगे, पूछ लिया है व्हाट इज नोन एज ब्लू ब्लड, तो हेमोसायनिन इज नोन एज ब्लू ब्लड। दो क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं भैया, दो चार घंटे में दो क्वेश्चन होते हैं, किसके मेरे बायो इनऑर्गेनिक के किसी भी एग्जाम में, और एक मिनट लगती है, एक मिनट भी नहीं लगती, क्योंकि इसमें सब याद करने का है, कुछ सॉल्व नहीं करने का, बस अगर आता है तो टिक टिक टिक, ठीक है, दो सेकंड के अंदर तुम्हें मार्क्स मिल जाते हैं, दो सेकंड वो भी एक एक सेकंड गोला भरने का है डायरेक्ट।
ठीक। अब अगर मैं बात करूं इसके स्ट्रक्चर्स की, तो वही डीऑक्सी एंड ऑक्सी स्ट्रक्चर। अगर मैं यहां डीऑक्सी स्ट्रक्चर की बात करूं, डीऑक्सी हेमोसाइनिन, तो क्या होता है, कॉपर इसमें मेटल होता है, तो डीऑक्सी फॉर्म क्या होती है, कॉपर प्लस वन में, ठीक है, दो कॉपर होंगे, दोनों प्लस वन में होंगे, इनके बीच में बॉन्ड होता है जिसकी बॉन्ड डिस्टेंस 460 पिकोमीटर होती है, एक सीयू तीन हिस यूनिट से लगा होता है, ठीक है, ये वाला भी तीन हिस यूनिट से लगा होता है, ठीक है। और यहाँ मतलब दोनों कॉपर के लिए हिस का रेशियो क्या है, वहां वहां मैं बात कर रहा था HM में हिस का रेशियो क्या था, ऑक्सी फॉर्म में 3:2, ठीक है, डीऑक्सी फॉर्म में भी 3:2, यहाँ हिस रेशियो क्या है 3:3, मतलब हर हर मेटल आयन पर कितने कितने तीन तीन हिस्टडीन यूनिट है, ठीक है। और ये हिस यूनिट भी आपस में क्या कर लेती हैं, इनकी प्रोटीन चेन्स भी आपस में ब्रिजेस फॉर्म कर लेती हैं, ठीक है। पर अगर मैं जाता हूं किसमें, ऑक्सी फॉर्म में, किसमें जाता हूं, ऑक्सी फॉर्म ऑफ हेमोसाइनिन HCl, तो उसमें क्या होता है, कॉपर प्लस टू में और ये दूसरा कॉपर भी प्लस टू में, तीन तीन हिस्से कनेक्ट है, हिस हिस हिस, ठीक है, ये भी तीन हिस्से कनेक्ट होगा, एक हिस दो हिस, मतलब हिस्टडीन, मूवी का नाम नहीं है वो, जो आई थी मल्लिका सरावत वाली, वो समझ रहे हो, हिस्टडीन यूनिट, और इन दोनों के बीच में ओ ओ इस टाइप की ओ टू से बाइंड कर लेता है, और इसको बोलते हैं परोक्सो एन टू ओ टू, मतलब इसका हेप्टासिटी टू, मतलब दो एक ऑक्सीजन दो मेटल आयन से कंबाइंड है, और इसको बोलते हैं डाइहेप्टोलिंकेज, क्या बोलते हैं, डाइहेप्टोलिंकेज, कौन सी लिंकेज बोलते हैं, डाइहेप्टोलिंकेज बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ O2- यानी परोक्साइड फॉर्म में जुड़ी है मेरी O2, परोक्साइड फॉर्म में अटैच्ड है, किस में अटैच्ड है, परोक्साइड फॉर्म में O2 बाइंड करती है। अब अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, पॉइंट ऑफ डिफरेंस की ऑक्सी और डीऑक्सी स्टेट के, तो ऑक्सी के ऊपर लिख देता हूं, डीऑक्सी के उसके डीऑक्सी के इसके ऊपर लिख देता हूं, और ऑक्सी के वहां उसके नीचे लिख दूंगा। तो सबसे बड़ी बात है डीऑक्सी के दो कॉपर हैं, किसमें, प्लस वन में, डीऑक्सी के लिए लिख रहा हूं, यह किसके लिए है, डीऑक्सी एससी के लिए, दो कॉपर प्लस वन में है, ठीक है, और डायमैग्नेटिक है ये, ईएसआर इनएक्टिव है, कैसा है, ईएसआर इनएक्टिव है, कलरलेस है, कलरलेस क्यों है, क्योंकि भैया कॉपर प्लस वन में क्या होता है, D10 ही आएगा, कॉपर प्लस वन में D10, ठीक है, 4s1 3d10 होता है ना, तो जनरली जिसमें रहता है स्टेबल स्टेट, तो एक चला गया तो s वाला जाएगा, तो D10 कॉन्फ़िगरेशन, जिसकी वजह से ये क्या होता है, कलरलेस नेचर का होता है। अगर मैं बात करूं ऑक्सी की, तो ऑक्सी मेरा क्या होगा, O2 माइनस, परोक्साइड फॉर्म में ऑक्सीजन बाइंड करेगी, इसकी OO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 750 सेंटीमीटर आएगी, ब्लू कलर होगा इसका, कैसा कलर होता है, ब्लू कलर होगा, इसलिए इसको ब्लू ब्लड बोलते हैं, ठीक है। और ये डायमैग्नेटिक होगा, ये भी कैसा होगा, डायमैग्नेटिक नेचर का होगा, और ईएसआर इनएक्टिव होगा, ईएसआर ईपीआर में बढ़ाया था, ईएसआर इनएक्टिव क्योंकि डायमैग्नेटिक है, तो ईएसआर इनएक्टिव हो जाएगा, और इसका जो कलर है ब्लू कलर वो ड्यू टू LMCT है, ड्यू टू LMCT लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से है। पोरफायरिन रिंग का पाई टू पाई स्टार था, अभी जो पीछे देखा था उसका भी LMCT की वजह से था, ये भी LMCT की वजह से है, ठीक है। अब और मजे की बात है कि जो भैया मेरा होता है, जो इसमें हिस्की यूनिट होती है ना, एक हिस्से कंबाइंड होता है, उसमें मोर देन 100 यूनिट ऑफ हिस्टडीन से ये क्या होने लगते हैं भैया, कंबाइंड हो जाते हैं। अब देखो डीऑक्सी और ऑक्सी फॉर्म का डिफरेंस देखो, यहाँ कॉपर प्लस वन में है, यहाँ दो कॉपर प्लस टू में, ठीक है, ये क्या है, जनरली टेट्रा कोऑर्डिनेटेड है, तीन हिस्से एक कॉपर से, ये पेंटा दोनों,
तीन हिस्से दो ऑक्सीजन से, तीन हिस्से दो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड। अब यहाँ ढाई हेप्टो लिंकेज है, इस लिंकेज के बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है। क्या आ जाता है? लिंकेज के बारे में कि हेमोसाइनिन के अंदर कौन सी लिंकेज होती है, कौन सी लिंकेज होती है। इट इज ऑल अबाउट द ऑक्सीजन कैरियर एंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो मेटलो एंजाइम्स होगा, कि हमारी बॉडी में जो एक्टिविटी या जो भी प्रोसेसेस होते हैं उनमें क्या क्या मेटल एंजाइम्स या कौन कौन से मेटल एंजाइम्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वाले पढ़ लेंगे और देखेंगे कौन कौन से मेटलो एंजाइम्स का क्या रोल होता है, क्या काम करते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है जिनका नोन है और कौन कौन सी उनमें प्रोटीन चैन होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज मेटलो एंजाइम, ठीक है। तो हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मेटलो एंजाइम। मेटलो एंजाइम, मेटलो एंजाइम्स क्या होते हैं? देखो एंजाइम्स क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, और मेटलो एंजाइम्स क्या होंगे, मेटल जिन एंजाइम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, मेटल प्रेजेंट होगा, उनको क्या बोल देंगे हम, मेटलो एंजाइम्स बोल देंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, दीज आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, दीज आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, क्या है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ठीक है, प्रोसीड्स प्रोसीड्स केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी इन बायोलॉजिकल सिस्टम, इन बायोलॉजिकल सिस्टम, लिख सकते हैं दीज आर मेटल बेस्ड बायोलॉजिकल कैटलिस्ट प्रोसीड्स केमिकल रिएक्शन बाय, और अच्छा लिखो दीज आर द मेटल बेस्ड, मेटल बेस्ड बायोलॉजिकल कैटलिस्ट प्रोसीड केमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी इन बायोलॉजिकल सिस्टम इज नोन एज मेटलो एंजाइम्स, ठीक है। अब जैसे ये मेटल होगा, एक क्या होगा इसके अंदर, मेटल प्रेजेंट होगा, और मेटल से क्या प्रोटीन चैन जुड़ी होगी, क्या जुड़ी होगी, प्रोटीन चैन जुड़ी होगी, और इसका हम क्या देखना है, फंक्शन देखना है। तीन चीज बेसिकली देखनी है कि ये मेटल का कौन सा है इसके अंदर, प्रोटीन चैन कौन सी है, और फंक्शन क्या है हर मेटलो एंजाइम का। ऐसे ही इंपॉर्टेंट हम 10-12 मेटलो एंजाइम्स को देख लेंगे। तो पहला जो मेटलो एंजाइम है उसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या नाम है पहले मेटलो एंजाइम का, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। सब याद करने वाली बात है, मैं सच कुछ समझने वाली बात नहीं है, तो याद करेंगे 10-12 मेटल एंजाइम को। पहला मेटल एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, स्ट्रक्चर होता है जिंक मेटल प्रेजेंट होता है इसके अंदर, मेटल कौन सा है जिंक, वो भी प्लस टू यूनिट में, एक वाटर मॉलिक्यूल लगा होता है, ठीक है, और तीन हिस्टिडीन यूनिट, हिस हिस और हिस, ठीक है, जिंक sp3 टेट्राहेड्रल सेंटर, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, क्या होता है इसका फंक्शन देखेंगे, फंक्शन क्या होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो ये क्या काम करता है, मतलब कार्बोनिक एसिड की सिंथेसिस में काम आता है, मतलब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस करें इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एनहाइड्रेज मेटल एंजाइम, तो क्या किस चीज की सिंथेसिस हो जाएगी, कार्बोनिक एसिड सिंथेसिस में, ये इसका क्या हो गया, फंक्शन हो गया मेनली, ठीक है। तो यहाँ मेन बात क्या है, मेटल है जिंक प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है, जो sp3 है यानी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रखता है। अगली बात क्या है, अगला यहाँ प्रोटीन कौन सा है, थ्री हिस्टिडीन यूनिट से जुड़ा हुआ है, हिस्टिडाइन यूनिट से जुड़ा हुआ है, 1H2O से जुड़ा हुआ है, और क्या है, इट कैटेलाइजेस, फंक्शन क्या हो गया, इट कैटेलाइज द हाइड्रेशन ऑफ एस, द हाइड्रेशन ऑफ CO2 इंटू कार्बोनिक एसिड
में क्या कर देता है, ये इसको क्या कर देता है, CO2 को कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट करने का काम आता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये रहा, एक आधे बार क्वेश्चन आया है, बहुत इजी सा है। दूसरा देखते हैं, दूसरा जो मेटलो एंजाइम्स है बेसिकली वो, उससे पहले चलो इसकी मैकेनिज्म जान लेते हैं नेट और गेट के लिए, सॉरी मैकेनिज्म देख लेते हैं कि कैसे कन्वर्ट करता है। नेट गेट में मैकेनिज्म से क्वेश्चन आ जाता है, जैम में क्वेश्चन नहीं आएगा। मैकेनिज्म की बात करूं, ठीक है, तो आप लोगों को पता है ZN in plus 2 बॉर्डर लाइन एसिड, कैसा है बॉर्डर लाइन एसिड, ये HSAB में पढ़े होंगे कि कौन सा एसिड हार्ड एसिड, कौन सा बेस, कौन सा बॉर्डर लाइन होता है। तो क्या होता है, जिंक प्लस टू में H2O हिस्टिडीन की तीन यूनिट जुड़ी होती हैं, ठीक है। ये क्या होता है, सबसे पहले डीप्रोटोनेशन होता है, इसका क्या होता है, डीप्रोटोनेशन होता है, ठीक है। माइनस ऑफ एच प्लस, वही क्या बन जाता है, जेड एन ओ माइनस एच हिस एंड दिस इज ऑल्सो हिस। इसके बाद क्या होता है, ये सी ओ टू पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर देता है, क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको बोल सकते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और क्या फॉर्म कर लेता है, ये जेड एन हिस ओ एच और सी ओ ओ और ये ऐसे रह जाना उसमें। और इसके बाद क्या होता है, फिर से H2O डालेंगे तो ये मिल जाएगा या रिवर्स बैक हो जाएगा, यही इसका क्या हो गया, मैकेनिज्म होगी। और ये क्या फॉर्म कर देता है, कार्बोनिक एसिड, और फॉर्म क्या कर देता है, HCO3 माइनस, ये निकल जाएगा और इसमें H प्लस क्या कर देगा, HCO3 - H2CO3 कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो मेटलो एंजाइम है दैट इज कार्बोक्सी पेप्टाइडेस, साफ होता ही नहीं है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेस, कुछ ना कुछ पेप्टाइड बॉन्ड की बात होगी इसमें। कार्बोक्सी मतलब कहीं ना कहीं कार्बो CO2 या कार्बोनिक एसिड की बात होगी। कार्बोक्सी पेप्टाइडेस के स्ट्रक्चर बात करूं, यहां भी जिंक मेटल होता है, यहां दो हिस्टिडीन यूनिट होती हैं और एक ग्लूटामिक, एक प्रोटीन किसकी चैन होती है, ग्लूटामिक की, ऊपर बार्टर से लगा हुआ ZN plus 2 में, वही sp3 वही टेट्रा हेड्रल होगा, ठीक है। अब होता क्या है इसमें, जैसे ये क्या काम करता है, फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन क्या है, इट कैटेलाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस कराता है, पेप्टाइड बॉन्ड फ्रॉम सी टर्मिनल, इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सोपेप्टाइडेज भी इसी का दूसरा नाम होता है, ठीक है। तो होता क्या है, ये पेप्टाइड बॉन्ड को क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस कराता है, जैसे ये है सी डबल बॉन्ड हो, एन एच सी एच आर वन ग्रुप लगाया, सी डबल बॉन्ड हो एन एच सी एच आर टू बॉन्ड लगा हुआ, सी डबल बॉन्ड हो एन एच है, तो इसमें क्या डालेंगे, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज डाल देंगे, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड का ब्रेक कर देगा। देखो NH और C डबल बॉन्ड के बीच के लिंकेज को ही, इसी को तो पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, तो ये दो अलग अलग यूनिट बना देगा, क्या C डबल बॉन्ड NH CH R1,
सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ठीक है, बेसिकली क्या आ रहा था, हाइड्रोलिसिस, मतलब इसमें वाटर ऐड करेंगे तो ओ एच इधर ऐड आ गया और प्लस एन एच टू सी एच आर टू सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, ये किसका काम हो गया, मेरा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का काम हो गया। इट इज ऑल्सो नोन एज क्या, एक्सोपेप्टाइडेज बोलते हैं। अगर मैं इसकी मैकेनिज्म की बात करूं तो मैकेनिज्म क्या है इसकी, वही भैया क्या, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच सी एच आर वन सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, ठीक है, इसे डबल बॉन्ड होगा एन एच सी एच आर टू सी डबल बॉन्ड ओ एन एच एंड चैन सो ऑन, ठीक है। तो क्या होता है, इस पेप्टाइड बॉन्ड के सी डबल बॉन्ड ओ से क्या जुड़ जाता है, मेरा जेड एन जिंक जुड़ जाता है, जिंक प्लस टू जुड़ जाता है हिस्टडीन ग्लूटामिक, ठीक है, किसका, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का, और क्या कर देता है, इसको ब्रेक कर देता है दो में, ये इस सी डबल बॉन्ड ओ की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देता है, ये बॉन्ड यहाँ आ जाता है नेगेटिव चार्ज हो जाता, ठीक है, ये यहाँ आ जाता है बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ओ एच आके अटैक कर देता है एन एच टू, इस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है और ये क्या हो जाता है एन एच टू एच प्लस को अटैक कर लेता है, ये इसका क्या होता है, बेसिकली जो भी मेरी मैकेनिज्म होती है वो इतनी ज्यादा काम की बात भी नहीं है। तीसरा पढ़ते हैं हम अपना, ये बस पता होना चाहिए, इनके फंक्शन पता होना चाहिए, मेटल आयन कौन सा है, उसी से क्वेश्चन आता है, जनरली मैकेनिज्म से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। थर्ड वन इज LADH, थर्ड वन इज LADH, इसकी तो फुल फॉर्म भी पूछ सकता है वो, ठीक है, क्या होता है, लीवर एल्कोहल, लीवर एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, लीवर एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, LADH का काम क्या होता है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जनरली 16 यूनिट आती है, 16 यूनिट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं जिसको हम CYS से डिनोट करते हैं। 16 क्या होता है, C डबल बॉन्ड ओ एन एच सी एच सी एच टू एस, इसमें सल्फर होता है, सल्फर मेरा अटैकिंग सेंटर होता है, C डबल बॉन्ड ओ एन एच एंड ऑल्सो दैट इज द 16 यूनिट, ठीक है। तो ये होता कैसा है, LADH जिंक प्लस टू में एक वाटर जुड़ा हुआ, ठीक है, एक हिस्टिडीन यूनिट और दो मेरी कौन सी यूनिट, 16 यूनिट, ठीक है, मतलब हिस्टिडीन यूनिट में एन बॉन्ड है, जिंक एन बॉन्ड और ये जिंक एस बॉन्ड होगा, आगे बात समझ में। और जब ये एच प्लस डोनेट कर देगा तो ये एन ए डी पॉजिटिव भी बन जाता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं निकोटेन एडिडीन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब बोलते हैं इसका काम क्या होता है, ये 1 डिग्री एल्कोहल को, किसको, 1 डिग्री एल्कोहल को कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड और कीटोन में, मतलब 1 डिग्री एल्कोहल को तो एल्डिहाइड बना देगा ऑक्सीडेशन LADH को, ठीक है, और NAD+, इसमें जनरली कौन सा NAD+ होता है, ये 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड बना देगा, 2 डिग्री एल्कोहल को क्या बनाएगा, ये NAD पॉजिटिव कीटोन बना देगा, 2 डिग्री एल्कोहल को क्या बना देगा, कीटोन बना देगा, ठीक है, और क्या दे देगा मुझे, NADH दे देगा, और ये भी क्या दे देगा मुझे, NADH दे देगा, ये रिवर्सिबल है, अगर NADH डाल दिया तो रिडक्शन करा देगा, NAD पॉजिटिव निकोटीन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक, अगर ये डाला कैटायन डाला इसका तो 1 डिग्री एल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा एल्डिहाइड में, और 2 डिग्री को किसमें कन्वर्ट कर देगा, कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, जैसे इसका एग्जांपल हो गया CH2OH
CH3, तो इसको अगर इसमें NAD पॉजिटिव डाल दिया मैंने तो क्या कन्वर्ट कर देगा ये CH3 C डबल बॉन्ड OH, दैट इज एल्डिहाइड, और ये 2 डिग्री का CH3 CHOH CH3, और इसमें NAD पॉजिटिव डाल दिया तो ये किसमें कन्वर्ट कर देगा CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 कीटोन में, किसमें कन्वर्ट कर दिया इसने, कीटोन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और कह सकते हैं इट कैटेलाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल यानी 1 डिग्री अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड एंड कीटोन एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट कर देता है इनको, ठीक है, रेस्पेक्टिवली ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ NAD पॉजिटिव, LADH क्या काम करता है, NAD पॉजिटिव की प्रेजेंस में ये ऑक्सीडेशन कराता है 1 डिग्री अल्कोहल का एल्डिहाइड में और 2 डिग्री अल्कोहल का किस में, कीटोन में, ठीक है। नाउ फोर्थ वन इज